नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सकें। आइए दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं, कोड ब्लॉक आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं। जैसा सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम बनाने के लिए टर्बो सॉफ्टवेयर जब हम यूज़ करते हैं, उसी तरीके से दोस्तों ये कोड ब्लॉक होता है। इसमें आप सी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम बना सकते हैं। ये हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जाना है और यहाँ लिखना है कोड ब्लॉक। जब आप गूगल पर कोड ब्लॉक लिखेंगे तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, कोड ब्लॉक इज़ अ फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म IDE, ये ओपन सोर्स है, दैट सपोर्ट्स मल्टीपल कंपाइलर इंक्लूडिंग GCC, सी लैंग, विजुअल, C++। इट इज़ डेवलप्ड इन C++ यूजिंग। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये 2005 में इनिशियल इसकी डेवलपिंग हुई थी। अब दोस्तों ये जो डाउनलोड्स का आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ जाना है। डाउनलोड्स के ऑप्शन के बाद ये देख रहे हैं आप, डाउनलोड द बाइनरी रिलीज, दिस इज़ द ईजी वे फॉर इंस्टॉलिंग कोड ब्लॉक। आप यहाँ से इसको जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कराने के बाद आप जब इसको रन करेंगे दोस्तों, तब ये आपके सिस्टम में आ जाएगा और आप जो है यहाँ डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। ये देखिए दोस्तों ओपन हो गया है, द ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म कोड ब्लॉक, और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ये एक एक हम इस वीडियो में नहीं बताने वाले हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये सभी आप एक एक करके सीख जाएंगे जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ दोस्तों सिंपल सा है, अगर आपको कोई न्यू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, न्यू प्रोग्राम बनाना है, आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ अगर आपने पहले से कुछ सेव किया है, कहीं से आप उठाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। ये दोस्तों सेव कर सकते हैं, ये सेव एवरीथिंग, जितने भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं। फाइल में दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, न्यू फाइल, एम्प्टी फाइल, क्लास, प्रोजेक्ट, बिल्ड, टारगेट, ये जो आप सब देख रहे हैं। नीचे आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस क्यू या क्विट पर क्लिक कर देंगे तो ये जो है इस तरीके से दोस्तों बंद हो जाएगा। तो हम आपको ये फिर से यहाँ पर जो है चला के दिखाते हैं, और एक छोटा सा प्रोग्राम है। और दोस्तों इसकी सबसे अच्छी बात ये है, आप जब इस प्रोग्राम बनाते हैं तो आप इन प्रोग्राम्स को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर। और कॉपी पेस्ट करना यहाँ बड़ा आसान है। टर्बो में बहुत से लोगों को दिक्कत आती थी, क्योंकि वहाँ जब आपका कर्सर काम नहीं करता था तो वहाँ पर सिर्फ कीबोर्ड काम करते थे, और जब आप कर्सर से काम करते थे तो वहाँ पर कीबोर्ड नहीं आता था। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ये हम एक एम्प्टी फाइल यहाँ से ले रहे हैं, ये एम्प्टी फाइल आ गई है, ये पूरा खाली है दोस्तों। अब जो है हम यहाँ पर ये एक प्रोग्राम जो है पेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोग्राम दोस्तों हमने पेस्ट कर दिया है, ये एक नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए भी आप कंट्रोल प्लस एस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से जाने के बाद जो है आप सेव फाइल पर क्लिक करते हैं। हम कंट्रोल प्लस एस कर रहे हैं। ये दोस्तों देखिए, इसका टाइप जो होगा हमेशा C/C++ होगा। हम इसको जो है यहाँ पर दे रहे हैं स्क्वायर, और ये हमने कर दिया है इसको सेव। अब दोस्तों जैसे ही हमने सेव कर दिया है, देखिए इसके कलर चेंज हो गए हैं। अब जो पूरा IDE है ये काम करने लगा है। अब जहाँ भी एरर होगा वहाँ पर जो है ये तुरंत जो है लाइन यहाँ पर आपको इंडिकेट करेगी कि यहाँ पर कोई एरर है, आप उस एरर को सुधार लीजिए, या फिर आप वेरिएबल लेते टाइम जो है आप कोई गलती कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जब आप इसको सेव करेंगे और आप जब इसको रन करेंगे, तब आपको यहाँ पता चलेगा कि ये कैलकुलेशन में क्यों इसको नहीं मिल रहा है। और उससे पहले मैं आपको ये पूरा एक बार प्रोग्राम यहाँ से बता देता हूँ दोस्तों। आपको करना क्या है, ये जब प्रोग्राम बन जाएगा और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आएगी, और वैल्यू जैसे ही आप लेंगे वो आपके एन में स्टोर होगी, और एस क्यू वेरिएबल के अंदर एन को दो बार जो है इंटू किया जाएगा। जैसे हम 11 का स्क्वायर निकालते हैं तो 11 × 11, और वो वैल्यू जो है यहाँ पर प्रिंट कर दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं, बिल्ड का ऑप्शन आ रहा है, रन का ऑप्शन आ रहा है, और एक ऑप्शन आ रहा है बिल्ड एंड रन। दोस्तों इस कोड ब्लॉक की सबसे अच्छी खासियत ये है, जब आप इसको सेव करते हैं इस प्रोग्राम को, तो ना कि अकेले प्रोग्राम सेव होता है, ये इस प्रोग्राम की एक exe फाइल बना देता है, जिसे हम एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। जितने भी आपने सॉफ्टवेयर्स और जो इंस्टॉल करते हैं उसकी डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी में देखा होगा, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल हमेशा आपको मिलती है। और दोस्तों इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, पहले मैं आपको ये रन कर देता हूँ। देखिए हमने इसको यहाँ रन कर दिया है।
प्लीज़ एंटर द नंबर, मैंने लिखा है यहाँ 11, मैं जैसे ही एंटर करूँगा स्क्वायर ऑफ द नंबर 11 इज 121। अब आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये वापस चला जाएगा। तो दोस्तों ये तो था रिज़ल्ट, आपने देख लिया होगा। मैं एक बार और रन करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर नंबर बदल देते हैं, एंटर द नंबर 12 जैसे ही हमने किया, सम ऑफ द नंबर 12 इज 144। ये आप देख रहे हैं दोस्तों। अब मैंने इसको, मैं आपको लेकर चलता हूँ डेस्कटॉप पर जहाँ पर मैंने एक फाइल सेव की थी स्क्वायर डॉट सी करके। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें दोस्तों, ये तीन फाइल यहाँ बन गई हैं। ये कोड ब्लॉक की फाइल है और ये जो है फाइल अभी यहाँ रहेगी क्योंकि आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर ऑन है। और दोस्तों ये है वो एग्जीक्यूटिवल फाइल जो बनी है, और ये एग्जीक्यूटिवल फाइल जो है अब ये प्रोग्राम यहाँ बन चुका है। हम कोड ब्लॉक को एग्ज़िट कर रहे हैं यहाँ से। और जो है दोस्तों, अब जब आप इस एग्जीक्यूटिवल फाइल पर क्लिक करेंगे, ये देखिए तो दोस्तों यहाँ आ गया है। और अब मैं निकालूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा 13, तो ये उसका नंबर जो है वहाँ पर आया था क्योंकि अभी हमने इसके अंदर जो है गेट सी एच करके ऑप्शन नहीं दिया था। और गेट सी एच ऑप्शन देने से दोस्तों, जब तक हम कोई कमांड नहीं दे देते वहाँ पर, कोई बटन प्रेस नहीं कर देते, तब तक वो जो है वहाँ पर हमेशा रहता है। और इसका ही फ़ायदा होता है दोस्तों कि आप इस एग्जीक्यूटिवल फाइल को जो है, मैं यहाँ पर गेट सी एच ऑप्शन को भी लिख रहा हूँ, और मैंने यहाँ से इसको सेव कर लिया है। अब सेव करने के बाद जब हम इसको रन कराएंगे दोस्तों, ये देखिए, और ये यहाँ पर नंबर आ गया है। और मैं अब इस फाइल को बंद कर रहा हूँ। अब जब देखिए ये यहाँ पर फाइल आ गई है, और मैं इसको एंटर करूँगा। और ये अभी कुछ टेक्निकल परेशानी है, ये मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। मेरा सिर्फ बताने का मीनिंग ये था कि ये जो आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटिवल फाइल, ये आपका यहाँ सिस्टम चले या ना चले, ये फाइल है यहाँ पर। लेकिन ये एग्जीक्यूटिवल फाइल जो है, अब आप इस प्रोग्राम को जितनी बार यहाँ पे चलाना चाहें, ये आप किसी को सेंड भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जब सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं दोस्तों, तो ये सबसे पहला कदम होता है कि exe फाइल उसकी बनाई जाती है, और यही फाइल सामने वाले को दी जाती है ताकि हम जो उसको काम है वो उसका काम कर सके। और जो बैकएंड में दोस्तों जो कोड दिया है, जो कोड होता है, वो कोड हमें उसको नहीं बताना होता है, इसलिए हम उसको एग्जीक्यूटिवल फाइल देते हैं। और ये जो बैकएंड में आप कोड कर रहे हैं, ये हमेशा आपके पास सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों ये था कोड ब्लॉक, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। C++ के लिए प्रोग्राम्स काफ़ी अच्छे से रन होते हैं। और जो सबसे अच्छा इसका फ़ायदा है दोस्तों, आप जो है यहाँ पर प्रोग्राम्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपको एक एक प्रोग्राम यहाँ पर टाइप नहीं करना होता है, टाइप करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप यहाँ कॉपी पेस्ट करके भी प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। यहाँ पर आप बिल्ड और रन का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ आप क्लिक करेंगे दोस्तों, अगर कोई एरर होगा तो आपको एरर मिलेगा, नहीं तो यहाँ से सेव होने के बाद ये आसानी से रन हो जाएगा दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसका इस्तेमाल कीजिए। कमेंट के माध्यम से हमें बताइए आपको ये सॉफ्टवेयर, ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, उन्हें भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।